गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे हेयर कलर के बारे में। लुक एट माय हेयर गाइस, इट्स सो लवली ना। मुझे बस एक चेंज चाहिए था फॉर दिस फेस्टिव सीजन, सो आई ऑप्टेड फॉर मैट्रिक्स कलर मिल्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है एंड फन है। उसके साथ इसमें है सुपर प्रोटेक्टिव प्री बॉन्डेड फॉर्मूला, जो आपके हेयर को कलर करने के वक्त एंड कलर के बाद भी प्रोटेक्ट करेगा। So, अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे मैट्रिक्स कलर मिल्क के बारे में कैसे पता चला, राइट? सो गाइस, दिस इज द ट्रेंड नाउ। ऑल्सो जो कलर टेक्निक यूज किया गया है बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से टोटली प्रो टेक्निक की मदद से मेरे हेयर में कलर किया गया है। और गाइस, ये कलर प्रोसीड्योर बहुत ही ज्यादा क्विक है, आपके बाल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो चलिए आपको मैं डिटेल में बताऊंगी मेरी एक्सपीरियंस विद द न्यू मैट्रिक्स मिल्क टेक्निक। सबसे पहले हेयर ड्रेसर ने मेरे बालों का टेक्सचर देखा और मुझे सजेस्ट किया कि कौन से कलर मुझे करना चाहिए, कौन से कलर मेरे स्किन टोन में जाएगा। उसके बाद मेरे हेयर में प्रोटेक्टिव प्री बॉन्डेड फार्मूला यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद फॉइल यूज़ किया गया है, उसके बाद हेयर को वॉश किया गया है। हेयर वॉश करने के बाद ये मैट्रिक्स कलर मेल्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप टेक्निक ध्यान से देखना, यहाँ पे बालों में थ्री पोर्शन में कलर किया जाएगा। फर्स्ट पोर्शन में थोड़ा सा अमाउंट में ये कलर यूज़ किया गया है, उसके बाद हाथों को क्लीन करके नेक्स्ट पोर्शन में कलर यूज़ किया गया है, और लास्ट में एक स्ट्राइक देके आपको ये कलर यूज़ किया गया है। इससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी हार्श नहीं दिखेगा, व्हिच इज़ अमेजिंग। So guys, this is my after hair color. Wow, I just loved it guys. मुझे यही कलर चाहिए था guys. मैं पहले सोच रही थी कि कैसा होगा, बट मुझे यही कलर चाहिए था और मेरे हेयर में वही कलर मिला है। इतना रिच वाइब दे रहा है और इतना सुंदर कलर है, मैं आपको क्या बताऊँ। और आप देख सकते हो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी भी दिख रही है। मैं कुछ दिनों से कई हेयर स्टाइल ट्राई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बान क्रिएट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही है। यहाँ पे मैंने कर्लिंग स्टाइल किया है फॉर दिस फेस्टिव सीजन, और ये हेयर स्टाइल देखो गाइस बहुत ज्यादा प्यारा है। मैंने ये लुक क्रिएट किया है फॉर माय बर्थडे। ये हेयर कलर बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, किसी भी हेयर स्टाइल के साथ जाएगा, किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा, आपके स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, व्हिच इज अमेजिंग। मुझे कई दिनों से काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, सच को तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये कलर ही ऐसा है बहुत ही रिच वाइब आपको देता है। कलर पे ऑफ इज ऑसम, आपके बालों को बहुत अच्छे से ग्रो करता है, स्मूथली ग्रो होता है आपके बालों। गाइज यहाँ पे आप बिफोर आफ्टर पिक्चर देख सकते हो, काफी ज्यादा डिफरेंस है मेरे बालों में। आई रियली रियली लव दिस कलर गाइज, मेरे मम्मी को भी काफी ज्यादा पसंद आई है ये कलर, और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे स्किन टोन को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कलर पे ऑफ अच्छा है, ग्रोज आउट स्मूथली, किसी भी लुक के साथ जाता है, रिच वाइब देता है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और ये लेटेस्ट कलर टेक्निक ट्राई करें। और हाँ, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, सारी चीजों का लिंक एंड सब कुछ डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे और वीडियोज को देखने के लिए आप पर क्लिक करें।